हेलो दोस्तों नमस्कार, ईजी सेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर कैसे काम करता है वह आपको बताऊंगा। दोस्तों हाइड्रोलिक सिलेंडर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और दूसरा होता है डबल एक्टिंग सिलेंडर। जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है उसमें एक पोर्ट होता है जिसमें से ऑयल इन और आउट होता है, और सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में रिट्रैक्ट करने के लिए पिस्टन रॉड को रिट्रैक्ट करने के लिए एक तो स्प्रिंग फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डबल एक्टिंग सिलेंडर में दो पोर्ट होता है, एक होता है इन पोर्ट और दूसरा होता है आउट पोर्ट। डबल एक्टिंग सिलेंडर में सिलेंडर रॉड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करने के लिए इन और आउट पोर्ट को एक्सचेंज कर दिया जाता है, और ये दोनों कंडीशन के लिए हाई प्रेशर फ्लूड का इस्तेमाल किया जाता है। और इन पोर्ट में हाई प्रेशर फ्लूड डाला जाता है और आउट पोर्ट से रिटर्न लाइन कनेक्ट कर दिया जाता है टैंक में फ्लूड जाने के लिए। हाइड्रोलिक सिलेंडर में हॉलो सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन, पिस्टन रॉड, पिस्टन रिंग, पिस्टन सील और एक ग्लैंड नट होता है जिसके अंदर वाइपर सील और रॉड सील रखा हुआ होता है, जिसके वजह से हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज ना करे। तो किस तरह से यह काम करता है आप समझने के लिए यह एनिमेशन को देखें और समझें कैसे काम करता है हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।